धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रेन में बम की सूचना। धौलपुर स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और धौलपुर पुलिस के थाना यहां पर जो अधिकारी हैं वो इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और धौलपुर हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली। धौलपुर जंक्शन पर रोका गया ट्रेन को और ट्रेन में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीओ सिटी समेत कई थानों की पुलिस यहां पर सर्च कर रही है। इसके साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी शामिल है सर्च अभियान में। और करीब एक घंटे से धौलपुर जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस रुकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौलपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बम की सूचना मिली है और इस सूचना के बाद तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो पहुंची है, कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही धौलपुर पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और जानकारी ये है कि हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली है। अब धौलपुर जंक्शन पर ट्रेन को रुकवाया गया है और करीब एक घंटे से सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है, लगातार तलाशी अभियान ट्रेन में चलाया जा रहा है। सीओ सिटी समेत कई थानों की पुलिस सर्च कर रही है। इसके साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी वहां पर शामिल है सर्च अभियान में। एक घंटे से धौलपुर जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस को रुकवाया गया है और सर्च किया जा रहा है। बड़ी खबर है, अब हालांकि ये अफवाह है या फिर सच में इसको लेकर कोई सूचना मिली है, लेकिन तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहां पर सतर्क है, अलर्ट हो गई है। और हमारे सहयोगी भानु हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भानु, बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रेन में बताया जा रहा है बम की सूचना मिली है, क्या फिलहाल वहां पर मौजूदा हालात, कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? ये बिल्कुल बात कर रहे हैं, जो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से जाने वाली, चेन्नई को जाने जाने वाली जो गरीब रथ है, जिसमें कुछ जी की व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि इसमें बम है। बम की सूचना पर जिसको धौलपुर जो जंक्शन है वहां पर रुकवाया, रुकवाने के बाद से जैसे ही जो बम की सूचना हुई, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मौके पर स्टेशन पर धौलपुर पुलिस के आला अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद है और जो ट्रेन की बोगी है उनमें सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान सीआरपी एवं आरपीएफ के जवान भी उस ट्रेन में तलाशी के अभियान चला रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सुदर्शन चौहान व एसडीएम के तहत कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान धौलपुर जंक्शन पर मौजूद है। वह ट्रेन की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद ट्रेन की तलाशी जंक्शन पूरी हो जाएगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं ट्रेन को रवाना किया जाएगा फिलहाल। जी चलिए भानु, शुक्रिया आपका। तो तलाशी अभियान लगातार यहां पर चलाई जा रही है, एक घंटे वक्त हो चुका है, एक घंटे से लगातार सर्च यहां पर ट्रेन में चलाया जा रहा है। तमाम थानों के पुलिस मौके पर पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान है वहां पर, जो कि लगातार ट्रेन को रुकवाकर सर्च चलाया जा रहा है।